हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ एक्सेल के डिस्टेंस एजुकेशन में। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कोर्स के बारे में कि हमें रेगुलर के बजाय उसे डिस्टेंस में क्यों करने चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो पर्सन जॉब करते हैं वो जॉब के साथ अर्निंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लीकेशन लेकर तो उसे फाइल कर फिल कर सकते हैं और अपने स्किल को डे बाई डे डेवलप कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको उस कौन सी यूनिवर्सिटी जिससे आप करें, BCA कोर्स क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है और उसकी फ़ीस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से आप BCA कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी DEB और UGC अप्रूव्ड है ए ग्रेड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ UGC लेटर एंड NAAC ग्रेड का ऑथराइज लेटर। UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशनर और NAAC का ऑथराइज लेटर आप ए ग्रेड में देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी का। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट मोर टॉपिक है हमारा वो कोर्स के बारे में, जो है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 3 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसका जो कंसेप्ट होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे रिलेटेड होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ड्यूरेशंस क्या है, कितने साल का होता है। तो दोस्तों ये 3 साल का होता है। अब बात आती है कि हमें क्या हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो 12th के बेस पे आप ये कर सकते हैं। 12th पास आउट होना इसके लिए ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड की जो BCA में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपके आते हैं। तो आप इसमें पढ़ने वाले हो डाटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड C++ और जावा। ये आपके कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने बता दिए जो आप पढ़ने वाले हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो इसमें आपका पहला है रजिस्ट्रेशन फीस जो 500 रुपये है, एग्जामिनेशन की जो फीस है आपकी वो 1400 लगती है और कोर्स की जो फीस है आपकी 12500 है। फ्रेंड्स आपको बुक्स फ्री मिलती है आपको पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं ID कार्ड की जिसमें एनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है। इसके बाद मिलता है आपको एडमिट कार्ड जिसमें आपका जब एग्ज़ाम होता है उसके कुछ टाइम पहले आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि BCA करने के बाद फ्रेंड्स हमें कौन कौन सी जॉब है जो मिल सकती है। तो BCA करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि BCA करने के बाद ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं कि जहां हमें जॉब मिल सकती है। BCA ग्रेजुएट की डिमांड बहुत होती है जिससे मल्टीनेशनल कंपनी होगी, बैंकिंग हो गया, आपका गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, इन सारे फील्ड्स में आपकी नीड्स पड़ सकती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी यूनिवर्सिटी डिटेल्स क्या है। तो इसकी साइट है www.subharatid.com, प्लीज चेक करिए। और इसका एड्रेस है बाईपास हेनरी रोड मेरठ में है यूनिवर्सिटी। आप हमें से कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9912522252। फ्रेंड्स हमारा एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर धर्म प्लाजा शिव कॉलोनी रेलवे रोड पलवल। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कुछ पूछना।